शिवाय देवनाथ, फिर से जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के साथ मैं आ चुका हूँ। आज कॉल बैक फंक्शन और जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस के बारे में बात करेंगे। ये जो दो चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी इम्पोर्टेंट चीज़ को हर एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को जानना ही चाहिए। तो मैं इस ट्यूटोरियल को जितना हो सके मैं आसान करके बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको कॉल बैक फंक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से देखिए, इस वीडियो ट्यूटोरियल को, जिसमें आपको इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन है बेसिकली, जो फंक्शंस का मेन बेसिक फीचर्स जो है एक के बाद दूसरे फंक्शंस को कॉल करना या एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसीजर है उसको ही एक्चुअली कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है? कॉल बैक फंक्शंस में हम लोग ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, स्ट्रिंग भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ फंक्शंस एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं, और उस आर्गूमेंट के थ्रू हम लोगों को जो एज ए फंक्शन आर्गूमेंट जाता है उससे हम लोग कुछ डेटा निकल के दूसरे कुछ जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके कुछ सैम्पल कोड यहाँ पे दिया हुआ है, जो सैम्पल कोड लगभग ये है, जहाँ पे डू होमवर्क बोलकर एक कोड है। इस कोड में बेसिकली क्या हुआ, सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एज ए स्ट्रिंग जा रहा है, और उसके बाद कॉल बैक जो है वो एक्चुअली एक फंक्शन जाएगा जो एज ए आर्गूमेंट जाएगा। तो ये जो फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन बेसिकली होता है क्या, जहाँ पे प्री डिफाइंड कोई भी फंक्शन या प्री डिफाइंड कुछ बोला नहीं जाता है, तो वो होता है कॉल बैक फंक्शन। उसके बाद टू होमवर्क बेसिकली पहला फंक्शन है, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है ये बेसिकली फंक्शंस की वर्ड से स्टार्ट करके या फिर जो से ख़त्म किया, जो फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है ये बेसिकली सेकंड फंक्शन है। तो इस फंक्शंस को हम लोग किस तरह यूज़ करते उसका एक सैम्पल कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलते विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोगों का पहला क्लास था, लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात कर चुका हूँ। आज मैं कॉल बैक फंक्शंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहले मैं कॉल बैक करके मैंने एक फोल्डर ले लिया। इस कॉल बैक फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एक index.html, जो कि बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा, और उसके बाद एक script.js, ये दो फाइल ले लिया। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले हम लोग सिंपली html5 का एक सैम्पल टेम्पलेट ले लेता हूँ, उसके बाद स्क्रिप्ट सोर्स करके तो ये फाइल लिंक कर लिया। इस फाइल लिंक करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे कॉल बैक फंक्शंस देखेंगे। तो कॉल बैक फंक्शंस बेसिकली किस तरह काम करेगा वो देखते हैं। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस जो है, कॉल बैक फंक्शंस बेसिकली कैसे काम करते हैं? कॉल बैक फंक्शंस बेसिकली हम लोग पहले फंक्शंस को किस तरह काम करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे काम फंक्शंस से होता है। तो फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे, और जावास्क्रिप्ट का काफ़ी सारे फंक्शंस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स के हिसाब से काम करते हैं पूरी जावास्क्रिप्ट में। तो कॉल बैक फंक्शन ये एक इम्पोर्टेंट फीचर्स में एक है जो हर एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को जानना ही चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर को पहले क्या होता है, हम लोग फंक्शंस जब डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, फंक्शंस जैसे कि हेलो बोलकर मैंने एक फंक्शंस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो बोलकर यहाँ पे मैं नेम भेज देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, document.wri राइट करके यहाँ पे मैं काम करता हूँ। कि यहाँ पे ऐसी बोल लो हेलो, प्लस यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट जो आर्गूमेंट पास किया था नेम उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को अगर एक हेलो फंक्शन है और एक हाय फंक्शन है,
तो ये दो अलग अलग फंक्शंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो ये जो दो अलग अलग फंक्शंस है, ये दो फंक्शंस को एक साथ में अगर एग्जीक्यूट कराना है तो किस तरह कर सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। पहले ये दो फंक्शन है, इस दो फंक्शंस को हम लोगों को जब कॉल करना है तो क्या है, यहाँ पे हेलो हेलो करके यहाँ पे जॉय, उसके बाद हाय बोलकर फंक्शंस में विजय, यहाँ पे दो नेम यहाँ पे भेज दिया हूँ, ठीक है। एक जॉय और दूसरा है विजय। तो ये जो जॉय विजय जो दो नेम है, इसको मैं आउटपुट में देखता हूँ। तो यहाँ पे सर्वर लाइव करता हूँ, सर्वर लाइव करने में यहाँ पे दो अलग अलग नेम आ चुका है। थोड़ा पेज को बड़ा कर लेता हूँ। तो पेज में जो कंटेंट दिख रहा है, हाई जॉय हेलो जॉय हाई विजय, मतलब यहाँ पे जो दो अलग अलग फंक्शंस जो गया है, ये दो अलग अलग फंक्शंस में विजय को दिखा दिया। तो ठीक है, मैं इसमें और एक फंक्शंस लिख लेता हूँ जो कि हम लोगों का काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक फंक्शंस का नाम देता हूँ आउट, आउट मतलब जो कि हम लोगों को प्रिंट करने में मदद करे। तो प्रिंट करने में जो मदद करे, तो बेसिकली क्या है, हम लोग एक फंक्शन देख रहे थे जिसमें नाम दिखाई दे रहा था, तो इस चीज़ को एज ए यूटिलिटी फंक्शन, मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जितना बड़ा लिखना पड़ रहा था, इसको छोटा कर दे रहा हूँ। छोटा कैसे, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जाएगा, जो टेक्स्ट इसके अंदर से प्रिंट होगा। ऊपर से क्या होगा, जब भी प्रिंट हो जाएगा उसके बाद एक ब्रेक टैग एंड पे लगा दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा छोटा प्रोसेस में इसको रीयूज कर देता हूँ इस फंक्शन को। मतलब बेसिकली फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल यूजेस कुछ इस तरह हो रहा है कि हेलो जो है हाई विजय, जो कि अलग अलग लाइन में आ गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले से हम लोगों का जो था, मतलब एक यूटिलिटी फंक्शंस बना लिए जो आउट बोलकर, उस आउट में डॉक्यूमेंट राइट जो कि बड़ा लिखना पड़ रहा था, तो उसी में हम लोगों को टेक्स्ट डाल दिया, तो उस आउट फंक्शंस को रीयूज कर दिया यहाँ पे। तो ये हुआ जनरल फंक्शन, मतलब ये बेसिकली जनरल फंक्शन है, ठीक है ना, ये है जनरल फंक्शन। लेकिन ये जनरल फंक्शंस के बाद हम लोग अभी बात करते कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो एक फंक्शन पहले हम लोग को डिक्लेयर करना है, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे गिव मी इंफॉर्मेशन, गिव इन्फो बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया। तो यहाँ पे गिव इन्फो करके यहाँ पे पहले भेजता हूँ नेम, और दूसरे भेज रहा हूँ कॉल बैक, जो कि ऐसे नेम कॉल बैक यहाँ पे भेज दिया। बट यहाँ पे ये कॉल बैक किस तरह काम करेगा देखते हैं। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो है, कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शन का ये बेसिकली अभी के लिए पैरामीटर है, और ये जो है ये टॉपिक है जो नेम जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से दो तीन फंक्शंस क्रिएट कर लिए, तो उसी दो तीन फंक्शंस को यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से डिफाइन करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो डेटा जो आ रहा है, इस डेटा में हम लोग आउटपुट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेटा को भेजने के लिए यहाँ पे var info करके यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन टाइप वेरिएबल लिया, जिसमें क्या कर रहे, वेलकम करके यहाँ पे नेम सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो ये जो नेम है, इस नेम को हम लोग भेजेंगे दूसरे फंक्शंस के थ्रू। दूसरे फंक्शन मतलब कॉल बैक में कॉल करेंगे। मतलब कॉल बैक बेसिकली क्या होता है, कुछ डेटा लेकर दिखा सकते हैं। मतलब ये जो डेटा है, ये जो यहाँ पे जो नेम आया, इस नेम को यहाँ पे कुछ काम किया, उस काम करने के बाद यहाँ पे वो डेटा भेज दिया। तो ये हो गया गिव इन्फो वाला फंक्शंस। लेकिन ये जो गिव इन्फो वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शंस को कब कॉल तो करना है, जब कॉल करेंगे तब जगह यहाँ पे कुछ आउटपुट आ सकता है। क्योंकि जहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शंस को कॉल किया था, उसके बाद जब मतलब पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है, उसके बाद हम लोगों को कॉल करना पड़ा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कॉलिंग पार्ट है, ये कॉलिंग पार्ट है, और यहाँ पे जो पार्ट है ये डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट है। और इसके अंदर जो आउट फंक्शंस को कॉल किया गया, वो भी बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे कॉल किया गया है। तो इसी तरह ही यहाँ पे सारे फंक्शंस, और फंक्शंस को पहले इनिशिएट करते मतलब डिक्लेयर करते, उसके बाद उसको कॉल करते। तो यहाँ पे भी ये फंक्शंस जो हुआ है, ये फंक्शंस भी यहाँ पे पहले हम लोग डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे गिव इन्फो फंक्शंस, तो यहाँ पे गिव इन्फो फंक्शंस में मैं अपना नाम देता हूँ शिवाजी। और यहाँ पे एज ए फंक्शंस कुछ एनोनिमस फंक्शंस यहाँ पे भेजना होगा। तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शंस यहाँ पे डेटा भेज दिया। तो ये जो भेजा, यहाँ पे भेजने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को कुछ भी आउटपुट आएगा नहीं। मतलब यहाँ पे तो फंक्शंस भेज दिया, बट यहाँ पे हम लोगों को हेलो जॉय हेलो विजय के बाद और कुछ डेटा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो हम लोगों को यहाँ पे डेटा को दिखाई देना होगा। तो डेटा कहाँ से है, डेटा यहाँ पे है, और हम लोगों को कहाँ पे दिखाना है, इसी जगह पे जब कॉल किया उस टाइम पे हम लोगों को दिखाना है, क्योंकि जहाँ पे वेलकम शिवाजी करे। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को इस डेटा को यहाँ पे दिखाना होगा, मतलब इसके मतलब यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, यह से हम लोगों को डेटा पुल करना होगा। तो डेटा एज ए पैरामीटर, जो कि बेसिकली ये यहाँ पे गया और यहाँ से रिट्रीव हुआ, और ये डेटा यहाँ पे सेट हुआ, और सेट होने के बाद इसको सेव कर देते तो हम लोगों को वेलकम शिवाजी आउटपुट दिखाई दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये डेटा यहाँ पे पहले एक पैरामीटर गया, मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर गया, एक है नेम गया, दूसरा गया कॉल बैक, और उसके बाद इसको मैनेज करके ये डेटा को यहाँ पे सेट किया। और ये जो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो एनोनिमस फंक्शन है, इस फंक्शंस में ये डेटा को सेट कर दिया। तो इसी फंक्शंस को कॉल करने का दूसरा एक तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शंस है, और यहाँ पे कर रहा हूँ वेलकम बोलकर ये फंक्शंस का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वेलकम को भेज रहा हूँ, जिससे हम लोगों को डेटा आए। तो बेसिकली आउटपुट सेम ही है, बट इसका जो डेकोरेशन है, ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक्चुअल फंक्शन है जो कि कॉल बैक हुए, और ये आउटपुट फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइन किया या आउटपुट के लिए है। और ये बेसिकली डेटा इनपुट दिया है, जहाँ से ये डेटा इनपुट हुआ है, और यहाँ पे डेटा आउटपुट होकर प्रिंट पे दिखाया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शंस कॉलिंग हुआ है, यहाँ पे फंक्शंस कॉलिंग हुआ है। तो ये फंक्शंस कॉलिंग के बाद जाके यहाँ पे डेटा को यहाँ पे दिखा पाए, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली सैम्पल, जहाँ पे हम लोग ये तीनों चीज़ को एक के बाद एक हम लोग देख लिए, ठीक है। आशा करते आपको ये कॉल बैक के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।